नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया खबर के ऑडियो बुलेटिन में। कृषि कानूनों को रद्द करने की दिशा में आज सरकार का पहला कदम, केंद्रीय कैबिनेट से बिल को मिल सकती है मंजूरी। 29 नवंबर को 60 ट्रैक्टर करेंगे संसद की तरफ मार्च, एमएसपी की संवैधानिक गारंटी देने के लिए कानून चाहते किसान संगठन। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9283 नए केस दर्ज, 437 लोगों की मौत। आईएसआईएस कश्मीर ने ईमेल कर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को दी जान से मारने की धमकी, बढ़ाई गई सुरक्षा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, यूपीए में राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर नहीं दी जाती थी प्रतिक्रिया। सलमान खुर्शीद की किताब के प्रकाशन और बिक्री पर सुनवाई आज, दिल्ली हाईकोर्ट सुना सकती है फैसला। फाइजर की कोविड वैक्सीन 12 से 15 साल के बच्चों में दूसरी खुराक के 4 महीने बाद 100% प्रभावी रही, कंपनी का दावा। बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 58,700 के पार, निफ्टी में भी हो रही खरीदारी। ऑस्ट्रेलिया कैप्टन सीमा स्टीव स्मिथ को दोबारा कप्तान बनाने की संभावना पर यान हेली भड़के, बोले सर्कस बढ़ाने जैसा होगा। इंतजार हुआ खत्म, अब ओटीटी पर भी देख सकेंगे शहनाज गिल, दिलजीत दोसांझ और सोनम बाजवा की फिल्म हौसला रख। ये थे अब तक के मुख्य समाचार, खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे इंडिया खबर।